असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तो आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आए यार आज की वीडियो पर, ये जो है वेस्ट नहीं कह रहे हैं इधर, तो ये हमने इधर डाल दिया इस साइड में। अब हम देख लेते हैं यहाँ तो मोरू बच्चे आते थे, अब वो बोल रहे हैं कि मोरू बच्चे एक बोरा और ये नीचे बैठा हुआ देखिए, शाम इतनी गंदी हो गई लगता है इसको काफ़ी ज़्यादा ना मार पड़ गई। ये देखें ये पूरी रात खुला रहा है, सुबह भी खुला रहा है और पतंग से क्या लगे हाथ दिया हाथ लगे। अब उनको दाना पानी डाल देते हैं। ये इनका दाना हो गया और पानी चेंज कर देते हैं इनका। ये इनका हो गया पानी, उनको कभी कर पा। और अभी आ जाएंगे इस साइड पे, इस साइड में हमने शाम को दाना डाल दिया था और इनका चेंज कर देना है पानी। अब यार ये वाले तोते अंदर भी आएंगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सीन नहीं लग रहा, क्योंकि हम अगर बॉक्स लगाएंगे तो ये बॉक्स में अंडे देगी तो गर्मी की वजह से मर जाएगी। तो मेरा कुछ सीन था कि प्याला वगैरह मेरे पास कोई हो और मैं इसको उसमें बिठा लूँ, मगर अगर इसको उसमें अंडे देगी, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं बना। तो अगर बना तो फिर इसको यहाँ पर लगा के ना फिर केज को मुँह पर टाल देंगे। अभी आ जाते हैं साइड में, सबसे पहले इनको छोड़ना शुरुआत करते हैं। इनका दाना भी है और ये पानी चेंज कर लेते हैं। ये तो काला पानी डाल देते हैं यार। इनका सीन ये देखिए, ये दाना खाती है ना, ये वाली करती है खा सकती है। देखिए ये साइड में बहुत ज़्यादा गिराती है, इस साइड में गिराती है, इस साइड में गिराती है, ठीक है। तो इसने नीचे कितना ज़्यादा गर्म डाला हुआ है इनक्यूबेटर के ऊपर। इनक्यूबेटर के नीचे हवा का होल है, उस पर ये डायरेक्ट उसमें दाना वगैरह ना स्टार्ट हो जाए। बाकी ये लाइट आई तो क्लोज ही होती है, ये वाली इनक्यूबेटर की लाइट, इसका कोई इशू नहीं है ये लाइट में। अभी इनका पानी चेंज कर लेते हैं यार, इस येलो नहीं लाइट का। इनका दाना मौजूद है, उनका भी मौजूद है और इनका पानी चेंज कर लेंगे बस। तो यार अभी जो है ना, हम दिल्ली का एक बच्चा बच्चा था उसको देख लेते हैं। मैंने सुबह देखा था उसको पानी पिलाया था, तो बेहतर था पहले से। अभी चेक करते हैं उसका। यार इसको हम दोबारा पानी ऑफर करते हैं, क्योंकि ये अकेले ही बचा है। बाकी जो था ना, सबकी डेथ हो गई थी एक रात, कल शाम को मरा हुआ था, मतलब जो इससे इसके साथ का था, तो ये बेचारा रह गया। ये भी मैं बिल्कुल अकेला हुआ, इससे हम दूसरे चूजों के साथ इसलिए नहीं लग सकते कि यार अगर इनमें बीमारी आई हुई ना, तो दूसरे सब चूहे जो है ना, वो इसका शिकार हो जाए, फिर हम उन्हें बचा नहीं सकेंगे। हमारे टर्की वगैरह हैं, हमारे मोर के बच्चे हैं और मुर्गी के बच्चे भी हैं, वो आप सब यहीं पर रह देते हैं। और तो यार पीछे पीछे और इसको हम चूहे को बंद कर लेते हैं और इसका काट देते हैं। तो आज माशाल्लाह बड़ा होना शुरू हो गया इसका, इसको बंद कर लेते हैं और पकाना को भी बंद कर लेते हैं, ताकि इस पर बड़े तक जैसा टैक ना करें। बच्चा हो गया
ये भी हो गया और अब आ जाते साथ से भी मुर्गी वाली साइड पे। अच्छा इनका दाना वगैरह यदि खत्म नहीं तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक मुर्गा और एक मुर्गी है, ठीक है। अगर ज़्यादा मुर्गियाँ होती तो यहाँ पे दाना एक मिनट भी ना बचता, जैसे साथ वाले कमरे में होता है वहाँ पे टर्कीज हैं, मोर है और दूसरे मुर्गी है बच्चे हैं, वहाँ पे दाना डालो तो उसमें पास खत्म हो जाता है। तो अभी भी इस मुर्गी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा मौजूद है, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ अभी भी, तो मुझे उम्मीद है कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अभी उठ के फिर रही है मुर्गी के साथ। मैं इनका दोस्तों ने दाना डाल देते हैं, इन्होंने दाना नीचे फेंका हुआ सारा, ठीक है। और अभी इसे दाना डाल देते हैं, थोड़ा सा थोड़ा ही डालते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दाना डालते हैं, मतलब ये खाते कम है और इधर गिराया हुआ है और इस साइड पे ट्रे कर दिया, देखिए ये सारा दाना इन्होंने ग्राइंड किया हुआ है, तो इसलिए अभी कम ही डालना करना है क्योंकि जो ये डायमंड डालना है बहुत ज़्यादा ग्राइंड करती है। तो अभी कर देते हैं इनका खाना ही खत्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, वो डाल देते हैं, सबसे पहले पानी डालते हैं हम। और हम खोल देते हैं इन दाना जो खत्म कर दिया, माशाल्लाह बड़े हो गए तो दाना ही खत्म कर देते हैं अपना ना। आज मैं तीन दिन खाता हूँ और देखिए ये तो हम देखिए मतलब मोर की शक्ल बनना शुरू हुई है। ओहो तो लगता कहीं चोट लगी है, किसी ने मारा है इसको, ये वाली फिंगर पे ना। इसको भी बनना शुरू हो गया, ये देखें यहाँ से ना इसके पर थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो गए। तो मतलब सबसे बड़ा जान जो से ना हमारा मोर यही है और इसको अब हम छोड़ देते हैं बाकी। यार इनको ना हाथ पे उतराते हैं, छोटे वाले ये वाले उतराते हैं, देखो माशाल्लाह वो खेल रहे हैं। बड़े वाले चूहे डाल रहे हैं और छोटे वाले चूहे आ रहे हैं। चुटकियां काट देंगे तो दोबारा छोटे चूहे आ गए, बड़ा चूहा आया था उसने थोड़ा सा मुंह ही मारा दोबारा चला। चलो तुम नीचे से खा लो, अभी यार इनको हम दाना डाल देते हैं, इनका पूरा हवा लगाना है दूसरे चूल्हे का। यार ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, इसका जो नीचे वाला हिस्सा ना ये खाल यहाँ से लटक गया काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे भी कुछ पता नहीं इसका बन रहा है, ठीक है। और ये क्रोन भी इसका बड़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा। यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक मेरी याद कीजिए, अल्लाह हाफिज़।